वो भी अच्छी थी। पहले हाफ में तो मुझे लगता है कि कुछ खास नहीं थी, जबरदस्ती बढ़ाने की कोशिश की गई है, लेकिन एंड में अगर आप देखेंगे तो मूवी ठीक थी। और क्योंकि सनी देओल से खासकर उम्मीद यही की जाती है कि पाकिस्तान के विरोध में कुछ ऐसे नारे लगा दिए जाएं, फिर उनकी आवाज़ लोगों को सुनने के लिए मिल जाए, वो मिली और उसी की वजह से लोगों ने तालियां बजाई और उसी की वजह से लोगों ने इस फिल्म का मज़ा लिया। तो मुझे लगता है कि फिल्म अच्छी थी और वन टाइम वॉच तो है ही है, लेकिन जिस तरह से हाइप इसको मिला हुआ है मुझे लगता है कि उस तरीके की फिल्म नहीं है या फिर उस तरह की एक्सपेक्टेशन है। लेकिन हाँ, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ कोई मूवी हो और उसके बाद हम सोचें कि उसमें सनी देओल हो खासकर, तो फिर मज़ा तो आना ही है, मतलब वो तो रहना ही। मूवी की लेंथ 2 घंटा 45 मिनट, तो कहीं ना कहीं लगता है आपको मूवी जाके बोर करने लगती थी। देखिए, कहीं कहीं पे आपको ऐसा महसूस होगा कि मूवी आपको थोड़ा सा परेशान कर रही है या फिर बोर कर रही है, लेकिन हर जगह आपको ऐसा नहीं लगेगा। कितने दोगे 5 में से? 5 में से देखिए, अगर पाकिस्तान के खिलाफ है, सनी देओल उसमें है, तो 5 में से 5 स्टार दिए जाने चाहिए मुझे लगता है। गदर 1 अच्छी थी या गदर 2? दोनों ठीक है। 5 में से कितने स्टार्स? 2 तो दे दी। 2 बहुत अच्छी है। सनी देओल की एक्टिंग बहुत अच्छी। अच्छा, गदर 1 अच्छी थी या गदर 2 अच्छी है? गदर 1। 5 में से कितने स्टार्स दोगे आप इसे? 4। सनी देओल की एक्टिंग कैसी लगी? 22 साल बाद मूवी वापस आई है, बढ़िया लगी एक्टिंग उनकी, काफ़ी अच्छी थी। लेकिन थोड़ा जो है ना, थोड़ा मुझे लगा कि जो पुराने वाले में था ना, वो इसमें नई बात नहीं थी, बाकी स्टोरी मिला जुला के ठीक थी जी। तो 5 में से कितने स्टार्स दोगे? मैं 5 में से 4 दूंगा, 1 स्टार ही कम दूंगा।